शहर के समीप मेहतपुर रोड पर हुई दो लूट की घटनाओं का मंडी पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें दोनों वारदातों में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर सामान की जब्ती भी की है। शनिवार को मंडी थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में एएसपी आकाश भूरिया, सीएसपी मनोज रत्नाकर, मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद शर्मा ने यह खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक 2 जुलाई को रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर महितपुर रोड अपने साथी ट्रैकमैन संदीप सिंह सेंगर के साथ बाइक से गेट चेक करने नागदा की ओर आ रहे थे। तब रात तकरीबन 1:30 बजे हनुमान मंदिर के पास बदमाशों ने उनके साथ मारपीट कर 2 मोबाइल और लगभग 2,830 रुपये छीन लिए थे। दूसरी घटना 2 अगस्त को चोमेला के व्यापारी हेमंत दास बैरागी और पत्नी किरण बैरागी के साथ हुई थी। दंपत्ति खाचरोद में गुरु दर्शन कर रात में बाइक से लौट रहे थे, तभी देलनपुर फंटे के पास बदमाशों ने रास्ता रोककर मारपीट की। बदमाशों ने पर्स में रखे आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पत्नी का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सोने का मंगलसूत्र, 3 ग्राम सोने की चेन सहित 5,000 रुपये छीन लिए थे। पुलिस ने आरोपियों से रेलवे कर्मचारी के साथ लूट के मामले में 2 मोबाइल और 2,000 रुपये नकदी जब्त की है। चोमेला दंपत्ति से लूट के मामले में पर्स, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, 230 रुपये नकद, महिला का पर्स और उसमें रखे 4,800 रुपये, 3 ग्राम सोने की चेन, 30,000 का मंगलसूत्र जब्त किया है। वहीं पुलिस ने वारदात के लिए उपयोग की गई 2 बाइक भी जब्त की है। साथ ही वारदात में शामिल भड़ला निवासी राकेश पिता मोहन सिंह, लाल सिंह पिता रघुनाथ सिंह, दिलीप पिता नरसिंह, सुरेश पिता निर्भय सिंह, शंभू पिता राम सिंह, राजेश पिता नागू, देवीलाल पिता उमराव, जितेंद्र पिता रघुनाथ, शिवलाल पिता प्रभु शामिल है। 2 जुलाई 2020 की रात्रि में करीब 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में हमारे रेलवे के सब इंजीनियर हैं संकट मोचन जी, वो महितपुर रोड में पदस्थ हैं और वो रात में जब यहाँ पर अपना नागदा रोड पर रेलवे गेट चेक करने आए थे, तो रात्रि में करीब 1:15 बजे की बात है, ग्राम रुपेटा के पास में हनुमान मंदिर से थोड़ा सा आगे नागदा तरफ रोड पर अचानक से 3-4 बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल रोकी। वो अपने साथी के साथ में थे, तो वहाँ पर रोक करके लाठी डंडे से उन्हें रोक करके डराया धमकाया गया और मारपीट की, और मारपीट के बाद में उनसे उनके जेब से एक सैमसंग का मोबाइल तथा 2,700 रुपये कैश, साथ ही साथ उनके साथी के जेब में से एक J2 कंपनी का सैमसंग का मोबाइल और 130 रुपये चोरी करने की लूट करने की घटना हुई थी, जिस पर से थाना नागदा में अपराध क्रमांक 330/20 धारा 394 IPC कायम कर विवेचना में लिया गया। ठीक उसके 1 महीने बाद दिनांक 2/8/20 को शाम की बात है, 2 पति पत्नी मोटरसाइकिल से खाचरोद से अपने घर चौमेला राजस्थान जा रहे थे। रात्रि में करीब 8:30 बजे की बात है डेलनपुर फंटा बालाजी मंदिर गेट के सामने चौराहे पर पहुँचे और अचानक से 3-4 बदमाश आकर के लाठी डंडा लेकर के उनका रास्ता रोकते हैं और रास्ता रोक करके उनके साथ उनके पति के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद में उनके साथ लूटपाट करते हैं और पत्नी का मंगलसूत्र, एक सोने की चेन और पत्नी का एक पिंक कलर का पर्स है जिसमें कुछ सामान उनका रखा हुआ था, साथ ही साथ पति का पर्स जिसमें उनका ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और कुछ नगद पैसे रखे हुए थे, जो कि छीन करके खेतों में उधर की तरफ में भाग गए। इस पर से अपराध क्रमांक 413/20 धारा 394 IPC कायम किया गया था। दोनों ही घटनाएं काफ़ी गंभीर है, चूँकि ये लूट की घटनाएं अपने आप में बहुत गंभीर विषय होता है, जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन द्वारा बहुत ही गंभीरता से लिया गया और साथ ही साथ उसमें CSP नागदा, TI नागदा इनकी टीम को गंभीरता से लुटेरा को पकड़ने के हेतु हिदायत दी गई। इस पर से CSP साहब नागदा और TI नागदा ने अपने मुखबिरों को लगाया और साथ में घटनास्थल पर जाकर के आसपास के गांव वालों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान जब सभी लोगों से पूछताछ आसपास के दुकानदारों से और ग्राम भड़ला रुपेटा रोहल खुर्द कल्लू खेड़ी के ग्रामीणों से और आसपास के लोगों से और पूछताछ की गई, तब मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग जिन्होंने कि
दिनांक 2-7 वाली घटना की है, उनमें से कुछ लोग रोहल खुर्द स्टेशन के आसपास में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ वो प्राइवेट कोई व्हीकल अरेंज करके घटना से भागने की फिराक में थे। तत्परता से कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी नागदा श्री श्यामचंद शर्मा अपनी टीम के साथ में मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी टीम को लगाया और हिकमत अमली से दो टीमें बना करके उन लोगों को अपने कस्टडी में लिया और पूछताछ की गई। तो उन लोगों में से प्रथम राकेश, दूसरा लाल सिंह, तीसरा दिलीप, चौथा सुरेश और पांचवा शंभू ग्राम निवासी भड़ला के होना बताए गए, जिनको कि वहीं पर कस्टडी में लेकर के पूछताछ किया गया। तो उन्होंने दिनांक 2-7 की घटना को एक्सेप्ट करना स्वीकार किया। तत्काल उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जब थाने पर लाए गए और दूसरी घटना जो हुई थी 2-8 की, उसके संबंध में भी जब बारीकी से पूछताछ की गई तो बारीकी से पूछताछ में राकेश ने उस घटना को भी स्वीकार किया। मतलब दोनों घटनाओं में से एक घटना में, पहले वाली घटना में भी राकेश था और दूसरी घटना में भी राकेश है, बट उसके साथ में प्रथम घटना के साथी धारा नहीं होते हुए दूसरी घटना में कोई दूसरे साथी थे। दूसरी घटना जो थी उसमें राकेश के साथ में राकेश, राजेश, देवीलाल, जितेंद्र और शिवलाल सभी लोग ग्राम भड़ला के निवासी हैं। दोनों घटना होना स्वीकार किया गया, जिनको विधिवत कस्टडी में लिया गया है और कस्टडी में लेने के बाद में उन लोगों से दोनों ही घटना में प्रयुक्त, प्रथम घटना में प्रयुक्त सैमसंग कंपनी के दोनों मोबाइल, साथ ही साथ 2000 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। और दूसरी घटना में जब्त माल उसमें फरियादी का काले रंग का पर्स जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और 230 रुपये नगद थे। महिला का पर्स भी बरामद किया गया गुलाबी कलर का जिसमें 4,800 रुपये नगद, एक सोने की चेन 3 ग्राम की कीमती 18,000 रुपये, साथ ही साथ महिला का मंगलसूत्र विधिवत जब्त किया गया है और इस घटना का खुलासा किया गया है।